ज्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही नहीं। इसको तत्काल देखिए और सबको कहा गया है कि एक चीज पर नजर रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नजर, ये कहां कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उसके बाद नहीं सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं। छपरा में जो शराब कांड हुआ है उसे लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको हम बता दें कि जो छपरा में कांड हुआ उसमें जो सबसे बड़ा जिसका हिस्सेदारी थी, सबसे बड़ा जो धंधेबाज था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको हम बता दें कि दिल्ली से गिरफ्तार करते उसे बिहार पुलिस बिहार लेकर आ रही है। वही नीतीश कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए देखिए इस वीडियो में। जनता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहां क्या है, और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहां कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उसके बाद सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नज़र कैसे नहीं, ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे। और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते, हो ही रहा तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहे। लोग तो यहाँ से करके बाहर भाग जाते हैं, इन पर तो शिकंजा कसना होगा ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही ना, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है, और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा है, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा है, तो रोज पकड़ा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है लोगों। आप जो यात्रा पर निकल रहे हैं उससे फायदा होगा इस पर, लगता है आप जो नहीं, हम फायदा के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज़ देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ, और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम, उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा करके, ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है हमारी जो यात्रा होती है, तो इस तरह का इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सब लोगों का, किसी को कोई कमी है कमजोरी है सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। सर मांझी साहब कह रहे हैं कि सर गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, आपके जब वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो हमसे आएंगे तो उनको हम बता देंगे उनको क्या पता है कब लागू हुआ था, तो ये क्या है सर्वसम्मति से न लागू हुआ जी, उसमें तो ऐसा नहीं था, और बाद में तो पता चल गया, आप जानते हैं यहाँ पर सबका ट्रेनिंग कराए। बहुत लोग कहता था ना कि कोई लोग शराब पीता है तो उसको मान लीजिए कि अगर उसको तबीयत खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, आपके कभी नहीं होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कितना जगह लोगों का हम कराए, कितना कितना लोग एक एक महीना रह रह करके एक एक चीज़ को सीखे, और कोई ऐसा है ही नहीं कि शराब पीने से कोई अच्छा है, शराब पीने से तो आदमी को नुकसान होता है। तो ये सब नहीं मालूम नहीं होगा, ये सब चीज का सब चीज की जानकारी नहीं होगी, और क्या बात है, हम पूछ लेंगे। आपने देखा नीतीश कुमार को, वो कह रहे हैं किस तरह से धंधेबाज पर अंकुश लगाने के लिए वो शुरू से ही प्रशासन को कह कर रखे थे और आदेश दिए थे कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, इस पर सभी बिंदुओं पर जांच किया जाए और जल्द से जल्द जो इसके अपराधी उसे पकड़ा जाए। वही उन्होंने बिहार यात्रा को लेकर भी कहा है कि वो बिहार यात्रा पर निकलते हैं इसलिए क्योंकि वो जान पाए कि जिस योजना को वो धरातल पर उतारते हैं वो कितना कारगर होता है, आम लोगों से मिल सके और जान सके कि कौन सा विकास है, काम हुआ है और कहाँ जनता को दिक्कत है। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज़। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।